हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोग को हमारा मॉन्स्टेरा का प्लांट दिखा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ये कितना घना हो चुका है और कितने बड़े बड़े इसमें इसके लीफ आए हैं। हम इसको दोस्तों बहुत सुंदर तरीके से लगाए हैं और आप देख रहे हैं इसका स्टिक, इसको हमने अपने हाथों से बनाया है दोस्तों, खरीद के हम नहीं लाए हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये स्टिक हमने कैसे बनाया है वो हम आप लोग को बताएंगे। आप देख रहे होंगे कि इसका रूट कितना डेवलप हो चुका है और नीचे की ओर ये पूरा गया है, आधा कुछ तो इसमें स्टिक में पूरा घुप चुका है, फंस चुका है। तो आइए दोस्तों, हम ये स्टिक कैसे बनाए हैं आप लोग को बता रहे हैं। हम यहाँ ऊपर से हम पानी डालते हैं, यहाँ से पानी डालते हैं तो ये नीचे होते हुए आता है और ये जड़ को नमी प्रदान करता है दोस्तों, और ये पूरी तरह से भीग जाता है और सारे जड़ को पानी मिल जाता है, खाद मिल जाता है दोस्तों। तो आप भी ऐसा बनाइएगा। तो दोस्तों, आप ले लेंगे एक पाइप, ये पीवीसी का पाइप है और ये लगभग ये चार इंच वाला पाइप है, ये हार्डवेयर के दुकान में आपको मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम एक रॉड ले लिए हैं ये वाली, और इसको हमने ये गरम कर रहा है, गरम करके दोस्तों हम इसमें होल करेंगे जो पाइप हमने दिखाया है उसको, उसमें इसके मदद से पूरा होल कर लेंगे। आप देख रहे हैं पूरा ये होल हो चुका है। होल करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम बता रहे हैं दोस्तों ये नारियल का रस्सी है और इस नारियल का रस्सी हार्डवेयर की दुकान में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसको हम इसमें चारों घुमा के लपटेंगे दोस्तों और फिर इसको बांधते चलेंगे। तो दोस्तों हम इसमें पूरा रस्सी लपेट चुके हैं, अब हम गमले में इसको लगा रहे हैं। होल होनी चाहिए दोस्तों, और इसको हम रख देंगे और इसको हम रख के इसके बाद दोस्तों हम इसमें पर्याप्त तरीके से इसमें मिट्टी डाल देंगे, जो भी आप सॉइल बनाते हैं सॉइल में। तो दोस्तों सॉइल बनाते टाइम आप ध्यान रखिएगा, ये एक भाग गार्डन का सॉइल ले लेंगे, नॉर्मली मिट्टी ले लेंगे, इसको अच्छे तरीके से लेकिन बारीक कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद हम नदी का रेत ले लिए हैं, ये रेत आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद ये मात्रा दोनों बराबर है रेत का और मिट्टी का। उसके बाद दोस्तों आप गोबर की खाद ले सकते हैं, पूरी तरह से डीकम्पोस्ट होनी चाहिए, या वर्मी कम्पोस्ट ले लेंगे, हम वर्मी कम्पोस्ट लिए हैं दोस्तों। उसके बाद कोकोपीट, दोस्तों ये कोकोपीट है, कोकोपीट नहीं होगा तो आप ये राइस हस्क धान का ये छिलका है दोस्तों, इसका यूज कर सकते हैं, दोनों से एक का यूज हम आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना बस सॉइल की जरूरत पड़ेगा, और हो सके तो आप नीम की खली भी डाल सकते हैं फंगीसाइड के लिए। ठीक दोस्तों, अब हम इसको मिक्स करके उसमें डालेंगे। तो दोस्तों इसके बाद जो हम मिट्टी बनाए थे उसको हमने गमला में नीचे में पूरा डाला है, इसके बाद ये ऊपर वाली पाइप के जो होल है उसमें भी पूरी तरह से हम इस मिट्टी को डालेंगे जो सॉइल बनाया है उसको। और दोस्तों उसके बाद ये सॉइल को हम पाइप जो होल है उसमें पूरी तरीके से डाल देंगे दोस्तों, पूरी तरीके से इस पाइप में यहाँ से पूरा भर देंगे। भरने के बाद दोस्तों उसके बाद हम प्लांट लगाएंगे दोस्तों इसमें। उसके बाद दोस्तों आप मनी प्लांट ले लेंगे, या फिलोडेंड्रॉन का प्लांट, या मॉन्स्टेरा का प्लांट, जो भी जो मनी प्लांट की तरह प्रजाति का होता है उसको हम आसानी से स्ट्रिप वाला गमले में लगा सकते हैं। तो दोस्तों हमने कटिंग कर लिया है, आप मार्केट से भी जो भी खरीद के ले आते हैं डायरेक्ट इसमें लगा सकते हैं गमले में। अभी हम कटिंग किए हैं दोस्तों, हमारे पास रूट हार्मोन है दोस्तों, रूट हार्मोन को हल्का सा इसमें डालिएगा और फिर हम लगा देंगे इसमें। आपके पास रूट हार्मोन नहीं है दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हमारा प्लांट इसी स्टिक में लग चुका है, इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी डाल देंगे दोस्तों, और कुछ दिन तक जब आप इसका लीफ बढ़ने चालू करेगा दोस्तों, इसको हल्का सा सहारा दीजिएगा
कम से कम कुछ एक आध फीट बढ़ते तक, उसके बाद आप ये पकड़ लेगा और पूरी तरीके से ये बढ़ जाएगा दोस्तों। तो इस ट्रिक से आप जरूर लगाइएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और आप इस चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप लोग को मिलता रहे दोस्तों। थैंक यू।